आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्मी की तरफ से डिस्प्ले किए गए एक एक्सोस्केलेटन को लेकर। कल इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड के ट्विटर हैंडल से ये फोटोग्राफ जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसको ट्वीट किया गया था। अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एक एक्सोस्केलेटन दिखाई देगा। ये अपर बॉडी एक्सोस्केलेटन एक इंडियन स्टार्टअप जेनेलेक टेक्नोलॉजीज और IIT दिल्ली ने मिलकर बनाया है। जेनेलेक टेक्नोलॉजीज काफी पहले से एक्सोस्केलेटन्स के ऊपर काम कर रही है। ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी पहले मेडिकल सेगमेंट को एड्रेस करने की कोशिश कर रही थी और इस कोशिश में वो काफी ज्यादा कामयाब रहे हैं। मुझे याद है कि साल 2019 में न्यू दिल्ली में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर जेनेलेक टेक्नोलॉजीज ने अपने एक एक्सोस्केलेटन को प्रेजेंट किया था। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर संजय अरोरा, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और आप में से कुछ लोग उनके साथ ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुके हैं। वो ब्लू इफेक्ट चैनल के एडमिन हुआ करते थे। डॉक्टर साहब ने मुझे इस स्टार्टअप कंपनी के बारे में साल 2019 में बताया था, गुड ओल्ड डेज जब कोविड नहीं हुआ करता था। उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी और अब इस स्टार्टअप कंपनी ने IIT दिल्ली के साथ में मिलकर इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट के लिए अपर बॉडी एक्सोस्केलेटन डिजाइन किया है। कल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड को विजिट कर रहे थे और इस दौरान उनको इस अपर बॉडी एक्सोस्केलेटन का डेमोंस्ट्रेशन दिया गया था। वीडियो में आगे बात करने से पहले आइए देख लेते हैं इस डेमोंस्ट्रेशन का वीडियो। इंडिया में इस समय कई स्टार्टअप कंपनीज, DRDO की कुछ लैब, कुछ मेडिकल कंपनीज और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अलग अलग तरीके के एक्सोस्केलेटन्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और जैसा कि कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि अपर बॉडी एक्सोस्केलेटन को लेकर कई जगह पर काम कंप्लीट किया जा चुका है, लेकिन जो मेन इशू आ रहा है वो लोअर बॉडी एक्सोस्केलेटन को लेकर आ रहा है और उसको एड्रेस करने के लिए DRDO की तरफ से एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था। मेडिकल एक्सोस्केलेटन और मिलिट्री यूज एक्सोस्केलेटन के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो है इनकी फिलॉसफी। मेडिकल के लिए यूज किए जाने वाले एक्सोस्केलेटन आदमी को वो कैपेबिलिटी प्रदान करते हैं जो किसी डिसेबिलिटी के वजह से वो लूज कर जाता है, लेकिन मिलिट्री यूज के लिए बनाए जाने वाले एक्सोस्केलेटन्स में सोल्जर की कैपेबिलिटी को और ज्यादा एनहेंस करने की कोशिश की जाती है, यानी कि बॉडी लिमिट को और ज्यादा बढ़ाया जाता है। आप सभी को याद होगा गलवान स्टैंड ऑफ के दौरान चाइनीज आर्मी की तरफ से अपने एक्सोस्केलेटन्स को डेमोंस्ट्रेट किया गया था। इनफैक्ट CCP के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने मल्टीपल आर्टिकल्स करके ये असर्ट करने की कोशिश की थी कि CCP की आर्मी इंडियन आर्मी की तुलना में ज्यादा केपेबल है। देखिए, इंडियन आर्मी एक काफी बड़ी आर्मी है और इसी वजह से इनका मॉडर्नाइजेशन कंपैरेटिवली स्लो रहा है। वहीं ये चीज हम लोग आपको कई बार कह चुके हैं कि सच्चाई हमेशा दो एक्सट्रीम्स के बीच में होती है। एक क्लेम कि इंडियन आर्मी पूरी तरीके से तैयार है और दूसरा क्लेम इंडियन आर्मी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, सच्चाई इसके कहीं बीच में है। हालांकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भले ही इंडियन आर्मी इस समय इक्विपमेंट के लिहाज से भले ही पूरी तरीके से तैयार ना हो, लेकिन उनकी तरफ से कोशिश पूरी की जा रही है और पिछले कुछ समय से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि उनकी तरफ से इस गोल को अचीव करने के लिए काफी तेजी से काम किया जा रहा है। वैसे आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई लोग ये क्वेश्चन लेकर आएंगे कि इंडियन आर्मी अपनी बेसिक नीड्स अभी तक कंप्लीट कर नहीं पाई है और वो लोग इन साईफाई वाले सिस्टम्स के पीछे जा रहे हैं। कल जेटपैक वाले वीडियो में कई लोगों ने यही कमेंट किया था। देखिए, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि इंडियन आर्मी एक बहुत बड़ी आर्मी है और यहाँ पर जिन बेसिक नीड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि गन्स, हेलमेट्स, साइट्स और बुलेट प्रूफ जैकेट्स, इन चीजों को लेकर सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट रेडी हैं और ये सॉल्यूशन लास्ट मैन तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। इसी वजह से आप कई जगह देखते हैं कि अभी भी इंडियन आर्मी के कुछ सोल्जर्स पुराने हेलमेट्स यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्मी नए हेलमेट्स अक्वायर नहीं कर रही है। और कुछ उसी तरीके की चीजें गन्स के साथ में भी हो रही है। 6R716 ऑलरेडी अक्वायर की जा चुकी है, वहीं पर AK203 भी कुछ समय के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। यानी कि ओवरऑल बेसिक नीड्स कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रही हैं और FINSAS प्रोग्राम के हिसाब से अब समय आ चुका है फेज 2 को इनिशिएट करने का। ओवरऑल ये काफी ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसी पॉजिटिव नोट पर आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।